नमस्कार और आप देख रहे हैं पर्पल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस भी मनाया गया। फतेहाबाद के रतिया इलाके में जिला पुलिस और सामाजिक सेवी संगठन और संस्थाओं ने संयुक्त रूप से एक साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली के माध्यम से लोगों को नशा से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। लोगों को नशे से दूर रहने की भी अपील की गई। डीएसपी सुभाष चंद्र के नेतृत्व में निकाली गई ये यात्रा रतिया के विभिन्न इलाकों से होते हुए टोहाना रोड पर पहुंची और वहां पर लोगों के हस्ताक्षर कर नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा भी की गई। वहीं डीएसपी ने कहा कि रतिया इलाके को नशे से मुक्त बनाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, नशे की लत से दूर हो सके और रतिया में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नशे का धंधा करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा न जाए। पलपल फतेहाबाद से राजेश भाभू की विशेष रिपोर्ट। क्या प्लानिंग की सभी को भी दिखा कि 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी कड़ी के नशे के प्रति लोगों को जागृत करने हेतु एक साइकिल रैली का आयोजन टोहाना निकाली जाएगी और जो है 26 जून तक, आज 20 से 26 जून तक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जो है लोगों को नशे के प्रति जागृत किया। ये यहाँ से चल के और आगे जो टोहाना जो चुंगी है वहाँ तक जाएगी, वहाँ से फिर गुना मोड़ तक। गुना मोड़ सर, नशे की बात करें तो पंजाब बॉर्डर के साथ लगते जो गाँव है वहाँ पर देखा जाता है कि नशा वहाँ से ज़्यादातर सप्लाई होता है, तो उसको रोकने के लिए क्या स्पेशल टीम गठित की जाएगी? हाँ, टीमें भी गठित की है और हमने जो है ना रैंडम नाकाबंदी करते हैं पंजाब बॉर्डर पर, और अब तो जो है ना पिछले 2-3 महीनों से 7-8 नाके भी पंजाब सर जो पंजाब बॉर्डर लगता है उसके साथ कई ऐसे मतलब 6 तकरीबन है कच्चे रास्ते में से जो नशे की खेप आती है उसको प्लानिंग करते हैं। हाँ, उसमें जो है ना जो भी संबंधित एसएचओ के द्वारा और उन जो कच्चे रास्ते हैं उन पर नाकाबंदी की जाती है और पिछले 2-3 महीनों में हमने बहुत भारी मात्रा में नशा पकड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए ये जो है साइकिल यात्रा निकाली जा रही है।